शुरू में कहा, बहुत संजीदा और संवेदनशील मामला है और इसके तार विदेशों तक हैं, कूटनीतिक समस्या है और अब तक की सबसे हाल फिलहाल के समय की कुछ दशकों की सबसे बड़ी कूटनीतिक समस्या है। कई खाड़ी के देश हमारे एम्बेसडर्स को बुलाकर सम्मन कर चुके हैं, विरोध जताया है, कुछ देशों की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। अब वहाँ पे 1 करोड़ से भारतीय रहते हैं। भारत सरकार या भारत में कुछ भी होगा, सीधा असर उन 1 करोड़ भारतीयों पर भी पड़ता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी 60% तेल हमारा उन्हीं देशों से आता है, व्यापार है, तमाम सारे और मसले। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे 1 करोड़ से ऊपर भारतीय जो वहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोग, उनकी सुरक्षा और उनके ऊपर भी उसका असर होगा, उनके जीवन पर असर होगा यहाँ पे कुछ होता है तो। दूसरी बात कि जो आज हुआ, देखिए इतना बड़ा ये मामला, पूरी दुनिया में ये इसकी चर्चा हो रही है और जाहिर सी बात है कि उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उसे नाराज हैं। जुमे की नमाज में लोग जमा होते हैं, वहाँ प्रदर्शन हो सकता है या कोई प्लानिंग होगी, इसका अंदाजा या इसका कयास लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, हर राज्य के पास अपना LIU है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये हो सकता है, और पहले से एंगेजमेंट क्यों नहीं किया गया मुस्लिम कम्युनिटी के जो धार्मिक लीडर्स हैं या उलेमा हैं उन लोगों से कि भाई अगर कुछ करना भी हो तो पीसफुल करें, कैसे करें, कितना डिप्लॉयमेंट हो, कहाँ तक उनको अलाउ किया जाए, कहाँ बैरिकेटिंग की जाए। ये पुलिस का और प्रशासन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना सरकारों का और पुलिस का काम है, जिसमें वो विफल हुए हैं। इस बात को मैं नहीं मान सकता कि इंटेलिजेंस को खबर ही नहीं थी। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो गए, इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हो गया, ठीक है कि जुमे की नमाज में लोग जाते हैं मस्जिदों में, आज अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग गए तो उसकी जानकारी होगी ना। दूसरी बात कि इतनी जगह प्रदर्शन होने के क्या एक को रोका, जैसे आपने कहा शुरू में कि प्रधानमंत्री का अभी तक इसमें कोई बयान नहीं आया। अगर प्रधानमंत्री इसमें कोई बयान देते तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम सारा जो गुस्सा है वो ठंडा होता। नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती तो ये गुस्सा ठंडा होता, वो नहीं किया सरकार ने। तो सबसे बड़ी इसमें जो चूक है वो राज्य सरकारों की तरफ से है और केंद्र सरकार की तरफ, जिन्होंने समय रहते इसमें कदम नहीं उठाए। राजीव जी,